आजाद की। हमने सुना, हमें भी दुख हुआ, जबकि मैं आदिवासी हूँ, पर मैं मेरे अंदर ये भावना नहीं है कि ये आदिवासी है या दलित है या पिछड़ा है, कोई भी है, मेरे अंदर ये भावना नहीं है। मैं ना तो दलितों से छूट मानती हूँ, ना जनजाति, कोई भी जाति हो, मेरे अंदर ये भावना नहीं है। यहाँ तक कि मैं मध्य प्रदेश की बात कर रही हूँ, मध्य प्रदेश में इतने ज्यादा छूट है, इतनी ज्यादा छूट मानते हैं कि यदि अगर दलित लोग अगर वहां पर बैठे होंगे तो आदिवासी वहां नहीं जाते। तो मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं ये चीज नहीं मानती अपने अंदर, और मैं गांव में भी जाती हूँ, ये सारी चीजें उन लोगों को बताती हूँ कि ये छुआछूत का प्रयास हो, आप लोग अपने दिल से ये बात निकालिए, क्योंकि हम सब एक हैं। ये बड़े लोगों की चाल है जो हमें अलग अलग जातियों में बांट के रखे हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि साथियों, हमारे पास तो हथियार है नहीं, हमारे पास हथियार नहीं है। जो हमने राष्ट्रीय दलित महासभा संगठन जो चल रहा है, हमारा संगठन है झंडे का, जो कि हम जब आंदोलन करते हैं तो हमारी जितनी भी महिलाएं आती हैं और भाइयों लोग आते हैं, उनके हाथ में डंडा भी लेके चलते हैं, क्योंकि आदिवासी है, दलित है, बहुत अशिक्षित नहीं है, उन लोग पढ़े लिखे नहीं है, उन लोगों के पास इतना यानी कि आगे बढ़ने के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है। दूसरी बात ये कि बड़े लोग उन गरीबों को, जो दलित लोग हैं, दलित आदिवासियों को इतना दबा के रखे हुए हैं कि कोई भी अगर अधिकारी या कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए तो उनके सामने वो मुंह से जवान नहीं निकाल सकते, इतना दबा हुआ है। हम लोग जाते हैं गांव में, समझाते हैं, यहाँ तक कि अपने तक हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं गांव में जाती हूँ लोगों को समझाने के लिए, जो लड़कियाँ, युवा लड़के भी हैं, उन लोगों को भी समझाती हूँ, सभी लोगों को। लेकिन खास मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि मैं गांव में जाती हूँ, मेरे पीछे बीजेपी सबसे ज़्यादा लगी हुई है हाथों की, जबकि मैं गांव में जाती हूँ भाई, जो मैं कुछ झेली हूँ वो मैं लोगों को बताती हूँ कि इस अत्याचार से आप लोग बाहर निकलिए, क्योंकि ये जुल्म अत्याचार सहने का दिन नहीं है। हमें जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है उसे मुकाबला करने का सामना आ चुका है, तो हमें उनके साथ खड़े होना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। आप पर भाई जब बात करेंगे, अगर जब हम उनके सामने जाके हम बात नहीं करेंगे, उनको मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे, तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। मध्य प्रदेश में इतनी ज्यादा अत्याचार है कि दलितों आदिवासियों की निकलने के लिए रास्ता नहीं है, शौचालय करने के लिए, नहाने धोने के लिए पानी निकलने की जगह भी नहीं है, वहाँ इतना अत्याचार हो रहा है। और सबसे ज्यादा अत्याचार तो ये है कि जो घर बनाए हुए हैं, 70-75, 2-3 पीढ़ियां गुजर गई हैं दलित आदिवासियों की, लेकिन सरकार उन लोगों को घर से बेघर कर दिए, बिल्डोजर से उड़ा दिए उन लोगों को। अब वो जाए तो जाए कहाँ? और अगर हम जाते हैं उन लोगों के पास तो बीजेपी हमारे पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। एक दो बार हमारे साथ ऐसा घटना हो चुका है कि बीजेपी मेरे को और सर को हम लोगों को घेर लिए थे मारने के लिए। तो हमारा संगठन पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है, हर जिलों में चल रहा है। जैसे एसडीएम कलेक्टर को पता चला कि केस के लिए संजय भाटी को यानी कि बीजेपी मारने के लिए घेरी हुई है, फिर कलेक्टर ने एसडीएम ने तुरंत फोन किया, फिर गांव से हमें बाहर निकाले। सोच लीजिए इतना अत्याचार हो रहा है यहाँ पे कि अगर हम जा रहे हैं उनकी मदद करने के लिए तो हमें ही मारने के लिए खड़े हो जाते हैं, और यदि अगर हम उनके गांव के अंदर चले गए तो निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमने तय किया है कि हम तो लड़ेंगे, चाहे जो भी हो जाए हम उनका सामना करेंगे, हम पीछे कदम अपना नहीं रखेंगे। साथियों, इसी बात पे मैं जय भीम जय भारत अपनी बात को समाप्त करती हूँ।